नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में समग्र देश में, न केवल पूर्व में, समग्र देश में कहा था कि देश के पूर्वी हिस्से का जब तक विकास नहीं होता, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। पूर्वी क्षेत्र का विकास जब हम करते हैं, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को विकास के मापदंड पर एक समान जगह पे लाते हैं, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसके लिए पूर्वी क्षेत्र को हमेशा एक तवज्जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दी और ओडिशा को विशेष तवज्जो देने का काम किया है। मित्रों, एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है, मुठभेड़ों में 32% कमी आई है, मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है और टोल पेंटिंग के अंदर भी बहुत बड़ी कमी आई है। मैं आज ओडिशा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सल आंदोलन को नकेल कसने में ओडिशा ने और नवीन बाबू ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। आज जब मैं ओडिशा में आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ओडिशा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है। धर्मेंद्र जी ने टोटल कंट्रीब्यूशन का आंकड़ा दिया, मैं डिवोल्यूशन फ्रंट और ग्रांट इन एड की बात करना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने 1,14,000 करोड़ रुपया दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दोनों ही हेड के अंदर 4,57,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कुल मिलाकर योगदान को लेके तो 3 लाख से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ तक का योगदान बढ़ाया गया, जो 6 गुने से ज्यादा है। ढेर सारी चीजें हुई हैं, रेलवे के लिए 10,000 करोड़, 800 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन, आईआईटी भुवनेश्वर, एम्स बनाने का काम हुआ, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र को यहां लाया गया, लगभग ईएसआई अस्पताल भुवनेश्वर का भी उन्नयन किया गया और भुवनेश्वर एम्स की स्थापना 1500 बिस्तर वाले वो करने का काम भी किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ओडिशा के विकास के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। किसान समृद्धि सम्मान योजना में 40 लाख किसानों को फायदा मिला, जल जीवन मिशन में 54 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया गया, 90 लाख शौचालय बनाए गए, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने का काम भारत सरकार कर रही है, 6 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए और 17 लाख ग्रामीणों के लिए घर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ओडिशा के अंदर डिजास्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं नवीन जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के हर इनिशिएटिव को नवीन बाबू ने जमीन पर उतारने में भारत सरकार की मदद की है और ओडिशा सरकार ने खुद भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ढेर सारे नए इनिशिएटिव लेकर पूरे देश को रास्ता बताने का काम किया है कि दो सरकारें अगर मिलकर काम करती है तो कुदरती आपदा भी किस प्रकार से कंट्रोल की जा सकती है। ओडिशा में आया हुआ साइक्लोन वो पूरी दुनिया में जाना जाता था और
हजारों लोग मारे जाने के कारण जाना जाता है। आज उड़ीसा में साइक्लोन आता है और लगभग लगभग जीरो कैजुअलिटी होती है, इसका भी पूरी दुनिया एक नोट ले रही है। मोदी जी ने एनडीआरएफ के माध्यम से, एनडीएमए के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट को शासन का स्वभाव बनाने का काम किया है और उड़ीसा सरकार ने इसमें ढेर सारा समर्थन किया है। मैं आज ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और फिर से एक बार महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय जगन्नाथ।